गुड इवनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ कंची शर्मा. आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन कथक फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम भगवान परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र. As well as I have achieved so many prizes in different cultural activities like dancing, singing, instruments, quiz, acting, etc. And now I am working as a cultural head and Hindi and Maths teacher in junior wing at the Girls Gurukul Kalayat Kathar. I have total 7 years, 3 months experience in my field. It's all about me. Thank you so much. Now, अब जो मैं आपको शुरू करवाने जा रही हूँ वो है हिंदी व्याकरण का एक विशेष, एक महत्वपूर्ण विषय, संज्ञा. तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है संज्ञा. आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपने जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो आप अपनी फेयर या रफ नोटबुक पर राइट डाउन करते रहिएगा. क्लियर? तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है. तो चलिए शुरू करते हैं. अब मैं आपको स्क्रीन पर शो करूँगी एक संज्ञा का पेज, ठीक है? फिर मैं उसे राइट डाउन करते करते आपको क्लियर करवाऊँगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उस, ठीक है? तो चलिए जानते हैं संज्ञा क्या होती है. तो देखिए ये आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं संज्ञा का जो पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो है संज्ञा, ठीक है? तो चलिए आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, संज्ञा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा. ये है इसकी परिभाषा. आपने सिर्फ मेन ही चीज़ें करनी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं, ठीक है? जैसे पुस्तक, गाय, हाथी, लड़का, भारत, दिल्ली आदि. तो अब आप देख सकते हैं कि परिभाषा संज्ञा की क्या कही गई है. जो शब्द, देख रहे हैं आप, शब्द लिखा हुआ है. किसी भी व्यक्ति कौन होते हैं, आप, मैं, कोई भी है, ठीक है? कोई भी वस्तु, कुर्सी, मेज, किताब, जग, मटका, ये सब वस्तुएं. स्थान, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, पेहवा, आगरा, लखनऊ, ये सभी क्या है, स्थान. भाव, मन के भाव, हमारे भाव, हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा, हमारा रोना, हंसना, खुश होना, दुख होना, ये सभी क्या है, हमारे भाव, ठीक है? का बोध कराते हैं. बोध मतलब क्या होता है? बोध कराने का मतलब होता है कि हमें रियलाइज करवाना. अगर मैं इंग्लिश में आपको इस चीज़ का अर्थ बताऊं तो वो है रियलाइज, हमें बोध कराना, हमें बताना, ठीक है? तो वो क्या है, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है? तो चलिए अब विस्तार पूर्वक जानते हैं. देखिए ये लिखा हुआ है विस्तार पूर्वक, ठीक है? तो जानते हैं विस्तार पूर्वक. अब देखिए वस्तुओं का, अब ये लिखा हुआ है, सबसे पहले आ रहा है वस्तुओं की नेम, ठीक है? पुस्तक, अभी मैंने आपको बताया ना, ये देखिए वस्तु क्या होती है, पुस्तक, कलम, मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड आदि, ठीक है? ये सभी क्या है, वस्तुएं. व्यक्ति कौन होते हैं, व्यक्ति आप और मैं, हर्षित, दक्ष, हरीश, आयुष, ठीक है? विपिल, बालक, मनुष्य, स्त्री आदि, ठीक है? जैसे मैं, कंचन, आप, कोई भी, दक्ष, कृति, अंकुश, विक्रम, सभी, क्लियर? तो ये सभी क्या है, हमारे नाम, व्यक्तियों के नाम. तीसरी है प्राणी. प्राणी क्या होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, लोमड़ी, चूहा, पक्षी आदि.
अब मैं अगर आपको सही बताऊं तो सबसे पहले तो यहीं पर देखिए, ये सभी क्या हैं? चूहा, यहाँ तक क्या है आप मुझे बता सकते हैं? ये सभी कौन होते हैं? ओके, मैं आपको बताती हूँ, ये सब होते हैं पशु। पशु कौन होते हैं? जो जमीन पर चलते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जमीन पर चलते हैं। पक्षी वो होते हैं जैसे कोयल, तोता, चिड़िया, बाज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये हवा में भी उड़ते हैं। जो उड़ने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं हम पक्षी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब आती है स्थानों का नाम, स्थान के नाम। जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आपने प्रॉपर मेंशन किया, आपने बताया है महत्वपूर्ण तरीके से, आपने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आप कहाँ पर जाएंगे, दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो क्या है? जगह का नाम, ठीक है। दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम आपने बताया है, एक जगह का नाम, प्लेस का नाम आपने बताया है, वो है दिल्ली। अब अगर मैं बोलती हूँ कि कल मैं श्रीनगर जाऊँगी, ठीक है, तो श्रीनगर जाऊँगी, तो मैंने भी आपको एक अपनी जगह के नेम बताया कि मैं कंचन मैम कल श्रीनगर जा रहे हैं, तो जा रही हूँ ना, कहाँ जा रही हूँ? श्रीनगर। आपको पता होगा कि मैम कहाँ पर गई हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ? जगह की नेम, ठीक है। भाव, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, भाव हंसना, रोना, सुंदरता, हमारी बुढ़ापा, सच्चाई, बुराई, झूठ, सच, ये सब, ये क्या है? मन के भाव, ठीक है। तो आई विश कि आपको यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो चुकी हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको ये वाली बताई हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण तरीके से, विस्तार पूर्वक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेदों की, ठीक है। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि संज्ञा के भेद, ये लिखा हुआ है संज्ञा के भेद, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, इसके तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं ये रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, क्लियर। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले हम किसकी जानकारी देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की, क्लियर, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी देखिए, जैसे छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भागवत गीता, रामायण, लखनऊ, आगरा। अभी देखिए, मैंने आपको ऊपर क्लियर करवाया है, आपको बताया है कि व्यक्तिवाचक में क्या क्या आएगा, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, किसी का भी नाम आना, ठीक है। जैसे नाम आपका या मेरा कोई भी नाम है, कंचन, करण, अंकुश, विक्रम, ये सभी नाम, ठीक है। अब दूसरी बात आती है स्थान का नाम, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, बेंगलोर, ये सभी क्या है? नाम है। वस्तु, जग, मटका, एक गिलास पानी, एक गिलास दूध, एक कप चाय, मतलब ये सभी वस्तुएं, पुस्तक, पेन, कलम, मेज, कुर्सी, ये सभी क्या है? वस्तु। हम उन्हें नाम से ही बुलाते हैं ना, नाम से ही हम लेते हैं उसे, तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, ठीक है। अब हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा प्राणी की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, प्राणी पशु में, अभी मैंने आपको बताया था ना, पशु कौन होते हैं? वो है गाय, भैंस, कुत्ता, ठीक है, पक्षी मोर, कोयल, तोता, कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर, तितली, टिड्डा आदि। अब देखिए, यहाँ पर आपको जाति पता लग रही है ना कि वो पशु, ये जो मान लो चिड़िया है वो किस जाति की है, वो पशु के अंदर आती है। ऐसे ही पक्षी, ठीक है, पक्षी में हम आपको बता रहे हैं ना, एक चिड़िया है जैसे, वो पक्षी है, ठीक है। पशु में आ गई गाय, भैंस, कुत्ता, ये सभी, क्लियर। तीसरी हम बात करते हैं हमारी भाववाचक संज्ञा की, भाव बताना। अब देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, धर्म, भाव, व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, लड़कपन, अच्छाई, न्याय आदि। अब देखिए, मैंने आपको भाव भी बताए हैं कि भाव क्या होते हैं, ठीक है। भाव बताना, हमारे मन के दुख होना, खुश होना, हंसना, रोना, गाना, ये सभी क्या है? हमारे भाव हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये जो लिखे हुए हैं, ये देखिए, मन के भाव, दुखी, खुशी, क्रोध आदि,
दशा क्या है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गुण, अच्छाई, बुराई, खटास, मिठास आदि। तो ये सभी क्या है? हमारे भाव हैं। ठीक है, तो आई विश कि आपको संज्ञा का चैप्टर क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको आज संज्ञा की परिभाषा बताई है और संज्ञा के तीन भेद बताए हैं। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा है, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड थर्ड भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये तीनों जो संज्ञा की हैं वो मेन होते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो आज जो हमने आपको बताया है वो है संज्ञा। तो आई विश कि वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप सभी ने इनको बिना देखे अपनी एक रफ नोटबुक पे नोट डाउन करना है, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपने क्या पढ़ा है, आपको कितना लर्न हुआ है। मैंने जो आपको बताया है परिभाषा, आप अपनी तरफ से पहले लिखिए, ठीक है, उसके बाद उसे मैच करिएगा। क्योंकि आप अपनी माइंड से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आपने कितना केयरफुली सुना है, आपको कितना याद है, 100% में से आपको कितने परसेंट याद हुआ है जो आपने राइट डाउन किया है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, आपने बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।